हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लार्ज नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे कि आप पढ़ भी रहे होंगे, यूनिट 3 लार्ज नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम। स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको लार्ज नंबर सिखाए थे इंडियन सिस्टम में। स्टूडेंट, हमने उसमें आपको सिखाया था कि 33 मैजिक वर्ड्स बताए थे जिन्हें आप याद करने के बाद आप 1 से लेके करोड़ तक सभी नंबर नेम आपको याद हो जाएंगे। ऐसे हमने 33 मैजिक वर्ड उसमें बताए थे। ओके स्टूडेंट, तो वे आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं। स्टूडेंट, अगर मैं आपको याद है तभी आप इंटरनेशनल सिस्टम भी याद कर पाएंगे। ये भी उसे याद करने के बाद, उस वीडियो को देखने के बाद, आप ये जो वीडियो है ना इंटरनेशनल सिस्टम की, तो इसे बहुत आसानी से कर लेंगे। ये आपके बाएं हाथ का खेल होगा फिर। ओके स्टूडेंट, तो जिस प्रकार आप इंडियन सिस्टम में आप वंस टेंस याद करते हैं, तो उसी प्रकार स्टूडेंट इंटरनेशनल सिस्टम मैं आपको इसके भी वंस टेंस होते हैं अपने। तो स्टूडेंट, हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में आपको बताएंगे और इनकी स्पेलिंग जो भी होंगी वे आपको याद करनी होगी। ओके स्टूडेंट, और आपको याद करने का मेथड भी बताएंगे कि आप आसानी से इन्हें किस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है जी, तो छोटी सी ट्रिक है जो बीच बीच में हम आपको बताते हुए चलेंगे, अगर कहीं पाएगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो इंटरनेशनल के वंस टेंस है उन्हें सीख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए हमने पहले से लिख कर तैयार कर रखे हैं, क्योंकि अगर इन्हें लिखेंगे तो काफी वक्त लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो देखिए स्टूडेंट, वंस से शुरुआत होती है, वंस। अब हम इनके आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताते हुए चलेंगे। वंस की शॉर्ट फॉर्म होती है ओ, टेन, टेन की टी। जो स्टूडेंट जो भी जिस वर्ड से स्टार्ट होता है उसी वर्ड को उसकी शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं। ठीक है जी, हंड्रेड, एच, एच फॉर हंड्रेड, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेन, एच फॉर हंड्रेड, ऐसे इनकी शॉर्ट फॉर्म बनती हुई चली जाती है। ओके स्टूडेंट, अब ये टी एच है थाउजेंड, तो यहां पे हम लिखेंगे टी एच थाउजेंड। तो स्टूडेंट आपको वंस की स्पेलिंग याद करनी है, टेन की करनी है, हंड्रेड की करनी है। हमने आपको हंड्रेड की स्पेलिंग बताई थी, कैसे याद करनी है। पहले हंड की स्पेलिंग याद कर लो, एच यू एन डी हंड, आर ई डी रेड, रेड मीन्स लाल। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार हमने आपको थाउजेंड की स्पेलिंग सिखाई थी, टी एच ओ थो यू एस एस ए एन डी एंड थाउजेंड। फिर टेन थाउजेंड स्टूडेंट, 10,000 का टी ले लेंगे स्टूडेंट, थाउजेंड का टी और टेन का टी और थाउजेंड का टी एच। तो स्टूडेंट ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है जी। ठीक है जी, अब है जी 100,000। देखिए स्टूडेंट, जो इंडियन सिस्टम है और इंटरनेशनल सिस्टम है उनमें 10,000 तक के जो वंस टेंस होते हैं वे बिल्कुल सेम होते हैं, है ना। देखो ये हम आपको इंटरनेशनल सिखा रहे हैं, इसमें वंस है, टेंस है, हंड्रेड है, थाउजेंड है और 10,000 है। और 10,000 के बाद जो इंडियन सिस्टम है उसमें थाउजेंड के बाद लैक होता है, लेकिन इसमें स्टूडेंट लैक नहीं होता है, इसमें 100,000 होता है। 100 का एच और जी टी एच थाउजेंड का, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म हो गई। फिर स्टूडेंट जो इसका पीरियड बनता है, देखिए हमने आपको पहले पीरियड के बारे में हम समझा चुके हैं कि वंस का पीरियड होता है, लैक का पीरियड होता है ना, थाउजेंड का होता है, करोड़ का होता है, अरब का होता है, खरब का होता है ना, पदम का होता है ना। तो इस तरह हम आपको पीरियड
समझा चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इसी प्रकार जो इंडियन पद्धति होती है उसमें पहला पीरियड वंश होता है, तो इसी प्रकार इसमें भी पीरियड होता है, इसमें भी पहला पीरियड जो होता है वो वंश का होता है। ओके स्टूडेंट, दूसरा पीरियड थाउजेंड का होता है और तीसरा पीरियड इसमें मिलियन का होता है। ओके स्टूडेंट, मिलियन को हम एम से लिखेंगे, एम फोर मिलियन, 10 मिलियन है तो स्टूडेंट टी एम लिखेंगे, है ना, और 100 मिलियन है तो हम एच एम लिखेंगे। तो ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है स्टूडेंट, आप कॉपी पे इतना स्पेस नहीं होता कि आप ये लिख सकें, फुल फॉर्म में लिख सकें, तो स्टूडेंट इसलिए जरूरी है कि आप इनकी शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए, ठीक है जी। तो ये 100 मिलियन होगा और मिलियन के बाद आता है जी बिलियन, बिलियन का बी, 10 बिलियन का टी बी और 100 बिलियन का एच बी, और बिलियन के बाद आता है स्टूडेंट ट्रिलियन, ट्रिलियन का टी, 10 ट्रिलियन का टी टी और 100 ट्रिलियन का एच टी। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखें, ट्रिलियन के बाद में आता है जी क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन का क्यू जी 10 क्यू और 100 एच क्यू। ओके स्टूडेंट, फिर होता है क्वांटिलियन, क्वांटिलियन का होता है क्यू यू, 10 क्वांटिलियन का होगा टी क्यू यू और स्टूडेंट 100 क्वांटिलियन का होगा एच क्यू यू। ओके स्टूडेंट, तो वैसे तो स्टूडेंट और भी है, ये खत्म नहीं होती है ना, लेकिन फिर भी हमने आपको आपके जो आपका सिलेबस है उससे अधिक ही आपको बताया है, क्योंकि कभी कभी बहुत बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे होता है जिन्हें ये पता ही नहीं होता है ना, तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है जी। तो आप वैसे तो स्टूडेंट ज़्यादातर जो सिलेबस में है, सिलेबस में हमारे पास मिलियन तक ही होता है ना, मिलियन बिलियन, बस बिलियन लास्ट है स्टूडेंट, ट्रिलियन तो मुश्किल ही पढ़ते हो आप, फिफ्थ में भी ट्रिलियन नहीं है, ठीक है जी। जो फिफ्थ का सिलेबस है उसमें भी ट्रिलियन नहीं है, उसमें भी बिलियन तक ही है। ओके स्टूडेंट, फिर भी आपको थोड़ा सा, चलो अगर नहीं है फिर भी आपको कुछ नॉलेज होगी, इसलिए हमने इतने सारे लिख दिए थे, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक की तो स्टूडेंट आपने पहले याद कर लिए, अब इसमें मिलियन है जो आपके लिए थोड़ा नया होगा, आपको याद करनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, इन सब में अगर आप देखें एक चीज कॉमन है, क्या है जी, वो है लोयन। इन सब में देखिए थोड़ी सी ट्रिक है स्पेलिंग याद करने के लिए, तो इन सब में एक चीज कॉमन है, कहां से लेके आप मिलियन से शुरू हो जाइए और क्वांटिलियन तक चले जाइए, तो स्टूडेंट आप देखेंगे इनमें एक ही चीज कॉमन है, वो है लोयन। लोयन मीन्स शेर, एल आई ओ एन, लोयन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये लोयन जो है ये इनमें सब में कॉमन है, यानी कि लोयन की स्पेलिंग सब में ही ऐड है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप जैसे मिलियन की स्पेलिंग याद करना चाहते हैं, आपको लग रहा भाई मिलियन तो थोड़ी सी बड़ी है इसलिए याद नहीं हो पाएगी, तो इसलिए आप स्टूडेंट मिल की स्पेलिंग याद कर लीजिए, एम आई एल, मिल, है ना, और लोयन की आपके याद गई है ना, नर्सरी क्लास से शुरू हो जाती है लोयन की स्पेलिंग याद करनी, है ना। तो आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिख दीजिए, है ना, जैसे ये रहा एम आई डबल एल आई ओ एन,
M-I-L मिल, L-I-O-N लोयल। तो इस प्रकार आप मिलियन की स्पेलिंग याद कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलियन के बाद क्या आता है जी, बिलियन। तो स्टूडेंट पहले आप बिल की स्पेलिंग याद कर लीजिए, देखिए बिल B-I-L बिल, और लोयन L-I-O-N लोयन, तो ये आपका बन गया बिलियन। ठीक है जी, तो इस प्रकार आप बिलियन की स्पेलिंग याद कर लेंगे। फिर बिलियन के बाद आता है जी, ये बिलियन है ट्रिलियन। तो स्टूडेंट आप ट्री की स्पेलिंग याद कर लीजिए, ट्रिल T-R-I-L ट्रिल। ठीक है जी, मान लीजिए। तो एक याद रखने का एक मेथड है स्टूडेंट, ट्रिलियन है तो हमने ट्रिल अलग कर लिया और लोयन अलग कर लिया, तो हम ट्रिल की स्पेलिंग याद कर लेंगे स्टूडेंट, और फिर इसमें लोयन की स्पेलिंग और जोड़ देंगे, L-I-O-N लोयन ट्रिलियन। क्वाड्रिल, Q-U-A-R Q-U क्वाड्रिल T-R-I-L क्वाड्रिल, लोयन L-I-O-N लोयन, क्वाड्रिल लोयन क्वाड्रिल। ओके स्टूडेंट, फिर क्वांट्रिल, तो क्वांटिल की स्पेलिंग आप याद कर लेंगे, क्यू यू आई एन टी आई एल क्वांटिल लोयन L-I-O-N। तो स्टूडेंट आपको सारी अध्यायी स्पेलिंग याद कर लेनी है आपको, और लोयन की स्पेलिंग छोड़ देनी है। तो आपको ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे आपको स्पेलिंग याद करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है जी, तो स्टूडेंट अब जब आपके ये याद हो जाए, इन्हें आप एक बार याद कर ले, एक रफ कॉपी पे लिख ले स्टूडेंट सबको, और रफ कॉपी पे लिख के इन्हें याद करें, इनकी शॉर्ट फॉर्म याद करें, है ना। जैसे हमने बताया कि भाई कैसे इन्हें ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं, तो आप इस प्रकार ट्रिक के जरिए इन्हें बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आधी आधी स्पेलिंग आपको याद करनी होगी। ओके स्टूडेंट, इन्हें लिख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे जरूरी है कि आप इन्हें लिखें, तो और लिखने के बाद में स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे अब जो नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट इसका, वो है जी कोमास और पीरियड। ठीक है जी, देखिए इसमें जितने भी पीरियड होंगे स्टूडेंट वे तीन तीन ग्रुप में होंगे, है ना। जैसे हम आपको बताएं, जैसे वंस का पीरियड है वंस, तो स्टूडेंट इसमें क्या आएगा, वंस टेंस हंड्रेड आएगा, ये वंस का पीरियड होगा हमारा। ओके स्टूडेंट, फिर थाउजेंड का पीरियड है, थाउजेंड, थाउजेंड में क्या आएगा स्टूडेंट, वंस ओ, इसमें आएगा थाउजेंड टेन थाउजेंड और हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो जब भी एक पीरियड खत्म होता है तो स्टूडेंट वहां पे एक कोमा लगता है, तो वंस के बाद में कोमा लगेगा। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट, हर तीन डिजिट के बाद एक कोमा लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, वन टू थ्री, थ्री डिजिट कुछ तो होंगी ना स्टूडेंट यहाँ पे, जैसे ये है ना। अब यहाँ पे भी मान लीजिए कुछ और है ना, तो आप यहाँ पे कोमा लगाएंगे तीन डिजिट के बाद, वन टू थ्री, है ना। तो स्टूडेंट ये वंस का पीरियड है, वंस का पीरियड इंडियन सिस्टम में भी होता है और इंटरनेशनल में भी होता है, लेकिन थाउजेंड का पीरियड में यहाँ पर यही तक थाउजेंड होता है, टेन थाउजेंड तक, इसमें तीन होता है, इसमें सारे पीरियड तीन तीन ग्रुप के बनते हैं स्टूडेंट, हर तीन के बाद आप कोमा लगाएंगे। थाउजेंड के बाद में मिलियन का पीरियड है स्टूडेंट, जैसे कि मिलियन
हंड्रेड मिलियन और एक मिनट मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन। ओके स्टूडेंट, ये मिलियन का पीरियड है और इसके बाद में हम तीन के बाद कोमा लगाते हैं स्टूडेंट, ए वन टू थ्री, तो यहां पे कोमा लगाएंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट मिलियन के बाद में आता है बिलियन, तो बिलियन, टेन बिलियन और हंड्रेड बिलियन। ओके स्टूडेंट, फिर तीन के बाद वन टू थ्री, थ्री के बाद कोमा लगाएंगे और स्टूडेंट बिलियन के बाद क्या आएगा, क्वाड्रिलियन। तो स्टूडेंट तो क्यू से ही बनाते हैं ऐसे, इसकी जो है क्यू है स्टूडेंट, तो क्यू टेन क्यू क्वाड्रिलियन और हंड्रेड क्वाड्रिलियन। ओके स्टूडेंट, और जो कोमा इंसर्ट करेंगे वो तीन के बाद वन टू थ्री, यानी कि हर तीन डिजिट के बाद कोमा लगेगा। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए यहां भी आपको कोई डिजिट दे दी गई, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा एक मिस्टेक हो गई, ये ज्यादा लॉन्ग हो गई स्टूडेंट, इधर से शुरू करते हैं यहां से। तो बिलियन के बाद में आता है जी ट्रिलियन, तो ट्रिलियन का पीरियड होगा स्टूडेंट, तो ट्रिलियन, टेन ट्रिलियन और हंड्रेड ट्रिलियन। ओके स्टूडेंट, अब ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, 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 टेन क्वाड्रिलियन और हंड्रेड क्वाड्रिलियन। फिर क्वांटिलियन, ये क्वांटिलियन का पीरियड है स्टूडेंट, क्या यू से करेंगे हम इसे, क्वांटिलियन, टेन क्वांटिलियन और हंड्रेड क्वांटिलियन। तो स्टूडेंट हर जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें हर तीन डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब है हर जब भी एक पीरियड समाप्त होता है तभी एक कोमा हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कोमे की, आप कोमा कब इंसर्ट करते हैं, जब तीन डिजिट के बाद, या तो आप इस तरह याद रख लीजिए तीन डिजिट के बाद काउंट कर लीजिए वन टू थ्री, हर तीन डिजिट के बाद आप कोमा इंसर्ट करेंगे, या फिर आप स्टूडेंट याद रख लीजिए जब भी एक पीरियड खत्म होगा तो उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, इंटरनेशनल में तीन तीन के बाद और इंडियन में पहला तीन के बाद और बाकी सब टू के बाद। अब देख लेते हैं कोई एक डिजिट लेते हैं स्टूडेंट और उसे उसे नंबर नेम में लिखते हैं, एक न्यूमरल लेते हैं, है ना, मान लीजिए आपको ये मिल गया स्टूडेंट थाउजेंड तक, तो इंडियन और इंटरनेशनल एक जैसे होते हैं तो हमें उससे ऊपर ही लेना होगा। मान लीजिए हमारे पास ये डिजिट है जी, आपको इसे इसके नंबर नेम में लिखना है और कहीं में लिखना है स्टूडेंट, नंबर नेम में लिखना है और उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई भी न्यूमरल आपके पास है तो उसके ऊपर आप वन स्टैंड डालेंगे, चाहे वो इंडियन है या इंटरनेशनल है। ओके स्टूडेंट, डाल लीजिए वंस
टेंस 100,000, और जी 10,000 और 100,000। ओके स्टूडेंट डाल लिए। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे, यानी कि वंस का पीरियड ये है स्टूडेंट और थाउजेंड का पीरियड ये है, तो कोमा यहाँ पे लगेगा, तो आपको कोमा लगाना भी बताया, कुछ कभी कभी क्वेश्चन आता है इंसर्ट द कोमास, है ना, गिविन द नंबर, तो स्टूडेंट 1, 2, 3 के बाद कोमा लगाए, तो इंडियन में भी पहला तो वंस पीरियड दोनों में होता है, इसलिए वंस पीरियड के बाद लगता है। ओके स्टूडेंट, अगर ये इंडियन होता तो यहाँ पे लग जाता, है ना, यानी कि थाउजेंड पीरियड यहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन ये इंटरनेशनल है, इसमें 100,000 भी है, तो स्टूडेंट यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है, कोमा हमेशा दो डिजिट के बीच में ही लगाते हैं, ऐसे नहीं कि कोई बाद में लगा दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं, तो इस कोमे का भी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने ये कर लिया, अब आप देखिए, सिर्फ इस डिजिट को आप याद रखिए, है ना, एक पीरियड को याद रखना आपको, भाई ये पीरियड है, ये थाउजेंड का पीरियड है, ये वंस का पीरियड है, ठीक है जी, ये हमारा वंस का पीरियड है स्टूडेंट, ये हमारा थाउजेंड का पीरियड है। तो अब आपको इसे नंबर नेम में लिखना है, तो आप इस पीरियड को एक मिनट के लिए भूल जाएं, है ना, अब इसे ही ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट आप सिर्फ ये ध्यान रखिए, इस पीरियड में ये क्या लिख रहा है, इसे आपको पढ़ना है, इस डिजिट को एक बार, एक मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि ये इंडियन है या इंटरनेशनल है, है ना, बस आपको इसे रीड करना है, ये जो डिजिट लिख रही है इसे हमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो हमने आपको बताया था, तो इसे पढ़ने के लिए आप वंस टेंथ के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे इंडियन में पढ़ते हैं, ये वंस है, ये टेन है, ये हंड्रेड है, स्टूडेंट आप जानते हैं हंड्रेड हमेशा अकेला रहता है ना, तो इन दोनों का तो वंस टेन का पीरियड इसका हो जाएगा, हंड्रेड अकेला रह जाएगा, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट ये देखो, ये हंड्रेड ही है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हंड्रेड, याद रखें, और ये हंड्रेड है, तो दोनों अगली जो डिजिट जो होती है वह हमेशा पेयर में पढ़ी जाती है, रीड होती है। तो स्टूडेंट ये नाइन है, तो आप यहां लिखेंगे नाइन, एन आई एन ई नाइन, और नाइन के ऊपर क्या लिख रहा है जी हंड्रेड, तो आप हंड्रेड लिखेंगे, एच यू एन डी आर ई डी हंड्रेड, नाइन हंड्रेड क्या लिख रहा है आगे इनमें 87, तो आप पहले 80 की स्प्रिंग लिखेंगे, ई आई जी एच टी वाई 87, एस ई वी ई एन 7। तो स्टूडेंट पहले तो आप पूरे डिजिट को लिखेंगे जो उस पीरियड में दी गई है, चाहे वो किसी का भी पीरियड है, है ना। अब स्टूडेंट जब आप इसे पूरा लिख लें, तो बाद में जो भी वो पीरियड है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, थाउजेंड का पीरियड था, तो स्टूडेंट अभी हम लास्ट में यहाँ पे थाउजेंड लिखेंगे, क्योंकि 987,000 ये सब क्या है, 87 ये सारे क्या है, थाउजेंड है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लास्ट में हम थाउजेंड लिखेंगे, टी एच ओ यू एस ए एन डी थाउजेंड, ठीक है जी। अब ये कंप्लीट होगा, जैसा आपने ये लिखा ऐसे ही ये लिखेंगे वंस वाला पीरियड, है ना, ये क्या लिख रहा 287, देखो वंस टेंस का पेयर बनेगा, 100 हमेशा अकेला रहता है, तो पहले 2 लिखेंगे, 2 लिखा हुआ है टी डब्ल्यू ओ 2 100, इसके ऊपर इसकी प्लेस क्या है जी 100, एच यू एन डी आर ई डी 100, और 80 पहले 8 की स्पेलिंग लिखेंगे ई आई जी एच टी 8, और वाई ऐड कर देंगे 80 हो जाएगा और 2, तो ये वंस का पीरियड है, तो यहाँ वंस नहीं लिखते। कभी स्टूडेंट ये सोचो भाई थाउजेंड में तो हमने लिखा, इसमें भी लिखेंगे, सिर्फ वंस वाले में ही पीरियड नहीं लिखे जाते, है ना। तो देखिए एक नजरिए से अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो ये इंडियन से भी आसान है थोड़ा, जैसा हम इंडियन वाले लिखते हैं ना, उनसे भी आसान है, समय से लिखना होता है, जो भी डिजिट पीरियड में दी गई होती है उसे हमें वंस की तरह पढ़नी होती है, जैसे हम जैसे वंस वाली पीरियड की डिजिट को पढ़ते हैं ना, सारी डिजिट को आप ऐसे ही पढ़िए, चाहे वो बिलियन की हो, मिलियन की हो, ट्रिलियन की हो, क्वाड्रिलियन की हो, क्वांटिलियन की हो, स्टूडेंट कोई भी है, सबको आपको ऐसे ही लिखना है,
जैसे आप वंस वाले लिख रहे है ना, ये सोच लीजिए भाई 100 तक ही है ना, और फिर आप उसे लिख दीजिए, और फिर बाद में उसका पीरियड जो भी है उसे लिख दीजिए, है ना। तो कुछ और भी लेते हैं, चलो एक थोड़ा बड़ा सा लेते हैं, 7005689975। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनमें कोमे इंसर्ट करेंगे, तो जो क्वेश्चन है कोमे वाला पहले हम उसकी पूर्ति करते हैं स्टूडेंट। तो वंस टेंस हंड्रेड, यानी कि वंस का पीरियड खत्म हो गया, यानी कि 3 डिजिट, फिर 1000 का, तो स्टूडेंट 1 2 3, तो हमने बताया था इंडियन इंटरनेशनल सब 3 के बाद लगेंगे, 1 2 3, तो स्टूडेंट 3 3 के बाद आपने कोमे ऐड कर लिए। सबसे पहले आप इस पे वंस टेन ही डाल लीजिए स्टूडेंट, वंस टेंस 100, आपको पता भी चल जाएगा ये 100 का वंस का पीरियड खत्म होगा, तो हमने यहाँ पे कोमा ऐड कर दिया। फिर 1000, 10000s, 100000, एक यहाँ खत्म होगा। देखो स्टूडेंट आ गया ना अपना 3 डिजिट के बाद कोमा, एक पीरियड जहां भी खत्म हुआ वही है ना। फिर मिलियन, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, और मिलियन के बाद में स्टूडेंट क्या आएगा, बिलियन, और बिलियन के बाद में ट्रिलियन। तो स्टूडेंट ये हो गया है ना, तो हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट ये वंस का पीरियड है और ये 1000 का पीरियड है और ये मिलियन का पीरियड है, ले ये जो है बिलियन का पीरियड है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो भी दिया हुआ है हमने आपको बताया सब, आप इन्हें 100 तक के मान के चलिए, अब इन्हें भूल जाइए सबको, सिर्फ ये ध्यान रखिए यहाँ तो कोमा लग गया, इस मिलियन को भूल जाइए, पहले ये देखिए क्या लिखा है लास्ट में, यहाँ 7 है या 67 होता, कुछ भी होता स्टूडेंट, डबल होता तो हम 67 ऐसे लिखते या 77 ऐसे लिखते या 17 ऐसे लिखते हैं, 17 बिलियन है ना। अब लेकिन अकेले सिंगल डिजिट है तो हम यहाँ पे 7 ही लिखेंगे, SEVEN 7, 7 के 7 की जो पीरियड है वो क्या है स्टूडेंट, बिलियन, तो कैसे लिखेंगे, बिल, BIL बिल है ना। हमने कहा था दो टुकड़े में तोड़ लेंगे लोयन, इसमें कॉमन है तो अब यहाँ पे हम लोयन लिख देंगे, LION लोयन। स्टूडेंट ये खत्म हो गया, अब इसका इसका कुछ नहीं करना, आपको अगला देखना, अगले में आपको 3 डिजिट दिखाई दे रही थी, देखो 6 के ऊपर 100 है तो 697, तो आप ऐसे ही लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक पीरियड खत्म होगा, आप कोमा ऐड कर सकते हैं है ना। तो अब ये क्या लिख रहा है 6, तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, SIX 6 है ना, 100 HUND RED 600, पहले नंबर लिखते हैं फिर उसकी प्लेस लिखते हैं, 600, अब क्या है जी 90, पहले 9 की स्पेलिंग लिखेंगे NINE और इसमें TY ऐड कर देंगे 90 है जी, लास्ट में क्या है 7 SEVEN 7 97। तो स्टूडेंट अब हमने पूरा पीरियड खत्म कर लिया लिख के 697, अब ये तीनों क्या है जिनका पीरियड क्या है, उस पीरियड का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे अभी इन तीनों का, तो ये स्टूडेंट क्या है मिलियन, तो आप यहाँ पे मिलियन लिख देंगे, MIL मिल, LION लोयन। तो स्टूडेंट ये खत्म हो गया है ना, अब नेक्स्ट पे चलेंगे 1000 पे, तो स्टूडेंट क्या लिख रहा, 8 के ऊपर है 6 तो 865 लिखा हुआ है,
पर लिखिए आप ये स्टूडेंट यहाँ पे एट ई आई जी एच टी 800 एच यू एन डी आर ई डी 800 क्या लिखा है 65 एस आई एक्स एक्स पहले सिक्स किस पे लिख दिया टी वाई जोड़ दिया 60 होगा 5 एफ आई वी ई 5 देखो कितना आसान है हमने 865 लिख दिया जी ये पीरियड कंप्लीट होगा तो ये पीरियड का क्या नाम है जी 1000 तो आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे थो टी एच ओ थो यू एस एस अरे एन डी एंड थो अस एंड 1000 ओके स्टूडेंट तो ये भी कंप्लीट हो गया हमारा तो मिलियन का पीरियड यहाँ का खत्म हुआ था स्टूडेंट यहाँ पे कोम ऐड कर लेंगे यहाँ 1000 का पीरियड खत्म हो गया यहाँ पे 1000 लिख देंगे अब इस जो लास्ट में स्टूडेंट 100 नहीं है से 10 भी नहीं है तो 7 है 7 वंस पे है सिंगल डिजिट होती है हमेशा तो स्टूडेंट लास्ट में क्या है 7 तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे एस ई एस ई वी ई एन 7 और फुल स्टॉप लगा देंगे पहला लेटर कैपिटल और बाकी सभी लेटर स्मॉल होंगे ओके स्टूडेंट बाकी सभी लेटर स्मॉल होंगे और लास्ट में कोमा लगेगा ठीक है ओके स्टूडेंट सभी इसी प्रकार आप कहीं तक भी लिख सकते हैं है ना जो ऐसा आपके कोर्स में बिलियन तक ही है एक और लेते हैं स्टूडेंट है ना एक और लेते हैं नाइन 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 एट 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 सेवन सेवन सिक्स सिक्स फाइव 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 तो स्टूडेंट ये डिजिट आपको दे दी और क्या रागी से राइट इन नंबर नेम है यार स्टूडेंट नंबर नेम नहीं कहता तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है राइट इन वर्ड्स इसे वर्ड्स में लिखिए ठीक है जी तो आप इन्हें अब लिखना है तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले हमें इन पे वन स्टैंड डालने होते हैं इन्हें पढ़ने के लिए भी इन्हें कैसे रीड करें मान लीजिए डिजिट दे दिया आपने आप इसे देख के घबरा गए भाई इतनी लंबी डिजिट को हम कैसे बोल लें है ना कैसे पढ़ के बताएं किसी को ये क्या लिखा हुआ है ना तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इन पे वन स्टैंड डाल लेंगे है ना तो डालिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन बिलियन टेन बिलियन और 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन ओके स्टूडेंट ऐसे हमने डाल लिया ठीक है जी अब हम क्या करेंगे ये पीरियड है स्टूडेंट इनमें कोमा ऐड कर लेंगे पीरियड के अनुसार से तीन के बाद सभी तीन डिजिट के बाद कोमा ऐड इंसर्ट होगा स्टूडेंट 1 2 3 एक पीरियड खत्म 1 2 3 1000 का पीरियड खत्म 1 2 3 मिलियन का पीरियड खत्म 1 2 3 बिलियन का पीरियड खत्म 1 2 3 और ट्रिलियन का पीरियड भी खत्म हो गया स्टूडेंट यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा कोमा दो डिजिट के बीच में ही आता है कोमा दो यूनिट को अलग अलग शो करने के लिए लगाते हैं है ना या स्टूडेंट हम इन्हें इजी यानी कि इजी करने के लिए बोलने में आसान रहे नंबर नेम बनाने में आसान रहे इसलिए हम इनके इन्हें पीरियड बनाते हैं स्टूडेंट और इनके कोमे लगाते हैं ठीक है जी अब इसे पढ़ के बता रहे हैं आपको इस डिजिट को कैसे पढ़े हाउ टू रीड तो स्टूडेंट कैसे पढ़ेंगे देखो 555 जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लिखते हैं
है ना, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। 555 ट्रिलियन, 666 बिलियन, 777 मिलियन, 888,000 और 999। ये इसे पढ़ने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है जी, पहले जो भी है डिजिट उसे पढ़ेंगे। देखो 5 के ऊपर 100 लिख रहा है तो 500 है, और 55, और फिर जो इनका पीरियड होता है उसे बोलते हैं ट्रिलियन। ठीक, अब हमें ये पढ़ना, 6 के ऊपर 100 लिख रहा तो 666, और इनके पीरियड का क्या नाम है जी, बिलियन, तो 666 बिलियन। जैसे बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो आपको इन्हें कैसे पढ़े डिजिट को, तो समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे ही लिखेंगे। तो अब हम इन्हें लिखते देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा इसे, 555 ट्रिलियन। तो पहले हम लिखेंगे 555, और 5 के सबसे पहले नंबर लिखते हैं, क्या लिखा है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे स्टूडेंट, FIVE 5। 5 के ऊपर क्या है जी, 100, HUNDRED 500, फिर है 50, फिप FIF, इसमें TY ऐड कर दीजिए, 50, FIVE 5, 55। अब ये क्या है जी, ट्रिलियन। तो पहले हम ट्रिल की स्पेलिंग लिख लेंगे, TRIL, अब लोयन की LION, लोयन ट्रिलियन। तो स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया इतना, 555, और ये सब क्या है जी, ट्रिलियन। बाद में उस पीरियड का नाम लिखते हैं। तो लिखना आ गया आपसे और पढ़ना भी आ गया हर। अब जो काम हमने इस पीरियड के साथ करा लिखने और बोलने के लिए, वही हम सबके साथ करेंगे सेम ऐसा ही। ठीक है जी, अब क्या लिखा हुआ है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, SIX 100, HUND हंड, RED रेड, रेड मीन्स लाल, 100। ओके स्टूडेंट, तो 600 होगा। फिर क्या है, 60, SIX 6, 6 की स्पेलिंग हमारे पहले से याद होती है स्टूडेंट, और TY ऐड कर दो, 60। अब क्या है जी, 6, SIX 6। अब ये तीनों क्या है, तो 666 हमने लिख लिया जा, 666 हमने लिख लिया। अब तीनों क्या है जी, बिलियन, तो हम यहाँ बिलियन की स्पेलिंग लिख देंगे, BIL बिल, और लोयन LION लोयन, बिलियन। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए, 7 है, 7 के ऊपर क्या है, 100, तो लिख देंगे 700, SEVEN 700, HUNDRED 770, SEVEN 7, और स्टूडेंट इसमें TY ऐड करेंगे, 70, और फिर 7, SEVEN 7। अब ये तीनों क्या है जी, हमने ये लिख लिया 777, तो भाई सभी लिख लेते हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे भी इसे लिख सकते हैं, अगर ये डिजिट उन्हें अलग से दे दी जाए तो वे भी इसे लिख सकेंगे। बस उन्हें क्या करना, उसके आगे फिर मिलियन बिलियन ही लिखना है ना। तो 77 अब क्या है जी, मिलियन, तो MIL मिल मिल, है ना। अब लोयन LION लोयन, तो ये हो गया। देखो जो आपने लिखा वही पढ़ा भी जा रहा है, नहीं, 700 700 70 70 7 7। अब ये क्या है जी, मिलियन मिलियन। ठीक है, एक पीरियड खत्म होगा, आप यहाँ कोमा ऐड कर सकते हैं। अब है क्या है जी, 800 EIGHT 800 HUNDRED 800 80 EIGHT 8, और इसमें सिर्फ YY ऐड करना होता है 80 बनाने के लिए स्टूडेंट, 88 EIGHT 88। अब ये तीनों क्या आया जी, 1000, तो 1000 लिख देंगे,
थ्रू अस एंड थाउजेंड। अब लास्ट का रहेगा 999, नाइन नाइन हंड्रेड नाइन्टी, एन आई एन ई नाइन, इज नाइन लिखे स्टूडेंट, इसमें सिर्फ टी वाई ऐड करना होता है। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, पहले नाइन की स्पेलिंग लिख के आप ये सोचेंगे बाद में टी वाई जोड़ना, तो स्टूडेंट जो स्टूडेंट ऐसे होता है जो नाइन्टी में ई छोड़ देते हैं, ई नहीं लिखते, तो स्टूडेंट उनका नाइन्टी कभी भी गलत नहीं होने का जो ई छोड़ देते हैं। 99, N-I-N-E, 9। ठीक है जी, तो स्टूडेंट आपको मुझे यकीन है कि आपसे जो नंबर नेम है इंटरनेशनल के वे लिखने आ चुके होंगे। ओके स्टूडेंट, तो लेकिन इससे पहले आप इंटरनेशनल सीखने से पहले आप इंडियन सीखे जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको सिखाया है, फिर उससे सीखने के बाद आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम अब अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं इसका। तो स्टूडेंट हमें ये दे दिए गए हैं नंबर नेम दे दिए गए हैं, हमें इन्हें न्यूमरल में लिखना है। ठीक है जी, तो देखते हैं नंबर नेम को न्यूमरल में कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम इन्हें पढ़ना सीख गए, हम इनमें कोमे लगाने सीख गए, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब इन्हें न्यूमरल में लिखेंगे। मान लीजिए आपको ये नंबर नेम दे दिया है ना स्टूडेंट, आपको ये नंबर नेम दे दिया। ठीक है जी, आपको ये कह रहा कि इसे न्यूमरल में लिखिए, भाई कोई भी नंबर नेम दे सकता है, छोटे भी हो सकता है बड़े भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल लिख रहे हैं तो हम इसमें बड़े ही होते हैं स्टूडेंट, है ना। अगर हम सिर्फ थाउजेंड तक हंड्रेड तक के देंगे तो फिर वो इंडियन में पता नहीं चलने का भी इंडियन है इंटरनेशनल है ना, अगर थाउजेंड तक ही रहे। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपको ये नेम दे दिया, अगर हम दूसरा नंबर नेम लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, चलो फिर भी हमें एक और लिख के दिखाएंगे आपको। तो हमें इसमें इसे कैसे लिखें कि गलती ना हो, तो अगर कोई भी आपको नंबर नेम मिला हुआ है आपको उसे न्यूमरल में लिखना है, सबसे पहले आप ये देखिए लास्ट में कौन सा पीरियड है। तो स्टूडेंट आपको दिखेगा ट्रिलियन है, अब आप ये देखिए ट्रिलियन हंड्रेड तक है, नाइनटीन तक है, जितना भी होता है, या स्टूडेंट आप पूरे भी डाल लेंगे वन टेन तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कम है तो कम लिख लीजिए, है ना। तो ये ट्रिलियन तक है जी, तो आपको ट्रिलियन तक के सबसे पहले वन टेन डालने, जो भी नंबर नेम जिस पीरियड पे ख़त्म हो रहा है वहाँ तक के आप वन टेन डाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये जो नंबर नेम है ये हमारा ट्रिलियन पीरियड पे खत्म है ना, तो हम ट्रिलियन तक के वन स्टैंड डाल लेंगे। लिखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन टेन मिलियन, हंड्रेड मिलियन, बिलियन टेन बिलियन, हंड्रेड बिलियन, और स्टूडेंट ट्रिलियन टेन ट्रिलियन और हंड्रेड ट्रिलियन। ठीक है जी, तो सबसे पहले चाहे इंडियन हो या इंटरनेशनल हो, सबसे पहले आप ना ये देखेंगे कि नंबर नेम किस पीरियड तक है, उस पीरियड तक के आप वन स्टैंड डाल लेंगे। ठीक है जी, अब देखिए जो आप बोल रहे वही आपको लिखना है, कुछ भी नहीं करना, इससे आसान कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे, अब आपने पढ़ा यहाँ पे 500,
अब ये क्या है जी, ट्रिलियन में आएगा स्टूडेंट, तो ट्रिलियन के नीचे लिखिए 500, कहाँ है जी, ये रहा, ये रहा 100, ट्रिलियन में 100, 500, ये 500 ट्रिलियन है ना, तो 500 के लिए ट्रिलियन के नीचे लिख दिया हमने 5, जो जिस पीरियड का है उसी उसे उसी पीरियड में लिखना है। अब क्या है जी 55, तो 55 ये भी ट्रिलियन के नीचे ही है। ओके स्टूडेंट, एक खत्म हो गया, कोमा लगा दीजिए। फिर क्या है 666 बिलियन, तो स्टूडेंट जिससे जो भी बिलियन से पहले लिख रहे हैं हम बिलियन में लिखेंगे, क्या है 600, ये रहा जी 100 बिलियन का, 666 हो गए सब। ओके स्टूडेंट, अब बिलियन खत्म हो गया, फिर आगे देखिए 777 क्या है मिलियन, अब ये तीनों मिलियन है तो मिलियन के नीचे 700, तो 100 के नीचे क्या आ गया 777, अब ये तीनों क्या हो गए स्टूडेंट मिलियन। फिर मिलियन का पीरियड खत्म हो गया स्टूडेंट, फिर आगे देखेंगे 888,000 स्टूडेंट, ये 1000 के हैं तीनों, तो क्या होगा 800, ये लिख रहा 100 के नीचे 100 लिखेंगे स्टूडेंट 88, अब ये तीनों 1000 हो गई है, ठीक है जी। अब क्या लिखा है 999, 100 के नीचे 9 और 99 तो इस प्रकार स्टूडेंट कोई भी किसी भी वर्ड को आप नंबर में चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार वन स्टैंड डाल के लिखेंगे तो गलती कभी नहीं होने की, ठीक है जी। तो इसे हम क्लियर कर देते हैं, एक और लेते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट ये डिजिट है, अब हमें इसे नंबर नेम में लिखनी है, वर्ड में लिखनी है, इंटरनेशनल में लिख रही है, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे सबसे पहले वन स्टैंड डालेंगे, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन और उसके बाद है जी स्टूडेंट बिलियन, ठीक है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन बिलियन मिलियन हंड्रेड मिलियन और बिलियन। तो स्टूडेंट हम इनके पेयर बना लेंगे वंस पीरियड के हिसाब से, ये हो गए। लेकिन स्टूडेंट बिलियन में हमारा सिर्फ एक ही आया है ना, तो अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये 9 है, ओ हम तो नंबर नेम लिख लेते हैं ना स्टूडेंट, अच्छा जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक नंबर नेम है।
अब हमें क्या करना है, इसे नंबर में लिखना है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ये कौन से पीरियड तक है। तो स्टूडेंट अगर अपने लास्ट में देखा कि बिलियन तक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिलियन तक के वन स्टैंड डाल लेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड्स, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन, टेन मिलियन और हंड्रेड मिलियन और बिलियन, टेन बिलियन और हंड्रेड बिलियन। ओके स्टूडेंट, ये डाल दिए। तो स्टूडेंट अभी यहां लिख रहा 9 बिलियन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं 100 बिलियन तो नहीं बोला गया, बोला तो नहीं गया, 100 नहीं है इसमें। अब स्टूडेंट अब इसमें पेयर भी नहीं है, यानी भाई 12 नहीं है, 9 से ऊपर होते तो 10 प्लेस आती, अब सिंगल प्ले सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट है तो वंस के नीचे आएगी, तो सिर्फ बिलियन के नीचे आएगी। ठीक है जी, 9 बिलियन खत्म हो गया स्टूडेंट। अब देखिए 501,000 स्टूडेंट, ये सारे थाउजेंड के 501 जो है ये सब थाउजेंड के नीचे लिखे जाएंगे है ना। तो स्टूडेंट इसमें आप देख सकते हैं मिलियन नहीं है, था बिलियन आना था बीच में लेकिन नहीं आया, थाउजेंड आया। तो 500 तो हम थाउजेंड में स्टूडेंट 100 के नीचे 5 लिख देंगे, 501, टेंस नहीं बुला तो स्टूडेंट 1 बुला है ना, फिर 110। ठीक है जी, अब देख लीजिए जो चीज़ नहीं बोली जाती, जो नहीं रीड होती स्टूडेंट, उनके लिए हम 0 ऐड करेंगे। इसमें मिलियन कुछ भी नहीं है न स्टूडेंट, इसमें 1 मिलियन है ना, 12 बिलियन है ना, 566 है ऐसा, इसमें बिलियन वो मिलियन है ही नहीं स्टूडेंट है ना, और बिलियन का भी वंश दिया था तो ये हमने लिख दिया। तो अब आप इसे रीड करके देखिए, जो भी ऊपर दिया गया है क्या है, यही बोलना जा रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले स्टूडेंट इन्हें पढ़ने के लिए हम इनके पीरियड बना लेंगे, भाई ये हमारे पीरियड है, इनमें कोमा लगा लीजिए ताकि इन्हें पढ़ने में आसानी हो। तो स्टूडेंट अब ये क्या है, 9 क्या है, बिलियन, तो 9 बिलियन ही लिखा हुआ है स्टूडेंट। 100 मिलियन 0 है, 10 के नीचे भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये सब 0 है इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिए, ये रीड नहीं हो गए। ऐसा नहीं कह सकता भाई 0 मिलियन है, 0 10 मिलियन 0 मिलियन, ऐसे नहीं बोल सकते, आप बोलने के ही नहीं स्टूडेंट, छोड़ देंगे। फिर क्या है जी आगे, 501 देखो 501 और ये सब क्या आते हैं, 1000, तो ये ठीक हो गया स्टूडेंट। अब फिर है 110, तो 110 देखिए जो यहाँ पे लिखा गया वही हमने यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा है वही पढ़ा हमने और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों मैच हो गए। ओके स्टूडेंट, तो अब मैच हो गए तो आप इन्हें, ये सही है, अगर मैच नहीं होते तो स्टूडेंट वहाँ पे आप उसे गलती हो गई है, दोबारा चेक कर लीजिएगा ठीक है, अगर मैच नहीं हो रहे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट इनमें एक क्वेश्चन और आता है कि भाई बताइए 10,000 में या 1,00,000 में कितने बिलियन होते हैं, कितने मिलियन होते हैं, है ना, या 100,000 मिलकर कितने करोड़ बनाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी लेते हैं, तो स्टूडेंट मान लीजिए आपने, आपको किसी ने कहा कि 1 करोड़ इक्वल टू, 1 करोड़ को मिलियन में बदलिए,
आपको बताना है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो स्टूडेंट आपको नहीं पता कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो स्टूडेंट पहले आप 1 स्टैंड डाल लीजिए इंटरनेशनल, ठीक है जी। आप उसके नीचे कोई भी हो भाई, आपसे ये पूछ रहा है कि भाई 1 करोड़ में को मैं कितने इंटरनेशनल में क्या कहेंगे ना, है ना, या 10 लाख को इंटरनेशनल में क्या कहेंगे, है ना। तो आप ऐसे आपको ऐसे कन्वर्ट करना। तो मान लीजिए हमने यहाँ में ये नहीं पता 1 करोड़ को इंटरनेशनल में क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे 1 स्टैंड डालिए, 1 10 100 1000 10,000 है जी, फिर लाख 10 लाख करोड़। तो स्टूडेंट आपको ये देखना था 1 करोड़ में 1 करोड़ को इंटरनेशनल में क्या कहते हैं। तो देखिए आप स्टूडेंट क्या आया ऊपर 10 मिलियन। तो 1 करोड़ को हम इंटरनेशनल में क्या कहते हैं, 10 मिलियन। तो इसी प्रकार आप स्टूडेंट किसी को भी अगर आपको देखना है इंडियन को इंटरनेशनल में बदलना है, इंटरनेशनल को इंडियन में बदलना है, तो आप स्टूडेंट उनके 1 स्टैंड करके इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है जी। अब अगर स्टूडेंट आपको ये कह रहा कोई कि भाई कितने थाउजेंड मिलकर, है ना, कितने थाउजेंड मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे, 1 बिलियन, या 1, है ना, या 1 मिलियन में कितने थाउजेंड होते हैं, ठीक है जी, एक ही बात है। तो कितने थाउजेंड मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए थाउजेंड कहाँ है, थाउजेंड यहाँ है, तो यहाँ से जीरो लगानी शुरू कीजिए। अब स्टूडेंट आप मिलियन तक लगाएंगे और ये रहा मिलियन, तो यानी कि स्टूडेंट 1000 मिलकर 1 मिलियन बनाएंगे, या 1 मिलियन में 1000 होते हैं, ठीक है जी। ये आपसे कोई ऐसे पूछ लेता है स्टूडेंट कि एक बिलियन में 1 लाख होते हैं, है ना, 1 बिलियन में 1 लाख होते हैं। तो स्टूडेंट आप देखिए लाख कहाँ है, ये रहा, और यहां से जीरो लगाने शुरू कीजिए। अब जो भी पूछा स्टूडेंट वहां पे 1 आ जाएगा। तो कितने हो गए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं 10,000। तो 1 बिलियन में 10,000 लाख होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार आप इस तरीके से जो ये भी बता सकते हैं और इन्हें कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो आपकी इंटरनेशनल सेशन था स्टूडेंट, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट फिर भी अगर आपको लगता है कहीं कोई समस्या है, प्रॉब्लम है इसे समझने में, तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कहीं कोई किसी को कमी नज़र आ रही है तो उस कमी पर कमेंट जरूर करें, ताकि हम उस कमी को सुधार कर और अच्छी वीडियो बना सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।